दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और डेविड वार्नर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दिल्ली की टीम की लगातार बैक टू बैक तीसरी हार को देखने के बाद तो बौखला चुके हैं ऋषभ पंत। आखिरकार वार्नर की असफल कप्तानी पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए दोस्तों पंत ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और वार्नर में एक बेहतर कप्तान कौन है दिल्ली का, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 11वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में गुवाहाटी के मैदान में खेला गया। एक तरफ राजस्थान की टीम जो जीत के घोड़े पर सवार है, उसको इस मुकाबले में जीत कर कुछ ज्यादा फायदा तो होना नहीं था, लेकिन दोस्तों फिर भी जीत किसे पसंद नहीं। लेकिन दिल्ली की टीम का हाल बुरा था, इस मैच से पहले ही दोस्तों वो अपने दो मैच हार कर आ रहे थे। इवन पिछली बार तो दिल्ली की टीम को 200 दिल्ली के ही मैदान में हराया गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जीत दिल्ली की टीम के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन अफसोस के पंत के टीम से जाने के बाद तो ऐसा ग्रहण लगा है इस टीम पर कि दोस्तों ये टीम जीतना तो दूर की बात, मैदान में दूसरी टीमों से लड़ तक नहीं पा रही। दोस्तों मुकाबला शुरू ही राजस्थान की टीम के विस्फोट के साथ हुआ। ये विस्फोट मैदान में किया यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने। इन दोनों ने दोस्तों मैदान में आते ही ऐसी तबाही मचाई के देखकर हर कोई हैरान था। यशस्वी जायसवाल के 31 गेंद में 60 रन हो 11 चौके और एक छक्के के साथ, या फिर दोस्तों हो जॉस बटलर के 51 गेंद में 11 चौके और एक ही छक्के के साथ 79 रन, इन दोनों ने ही दोस्तों आधी से टीम की बल्लेबाजी तो अकेले ही कर डाली थी। इनकी ये पार्टनरशिप इनकी टीम को 100 से आगे ले गई। इतना ही नहीं दोस्तों शिमरन हेटमायर ने भी 21 गेंदों के अंदर एक चौका तो वहीं 4 छक्के जड़कर 39 रन बना दिए थे। राजस्थान रॉयल्स की टीम दोस्तों पूरे 199 रन बनाकर गई 20 ओवर के अंदर। दोस्तों 200 रन का लक्ष्य है, वो भी उस टीम के सामने जो दो बैक टू बैक मैच हार कर आ रही है। नतीजा तो सबको पहले से ही पता चल रहा था, लेकिन दोस्तों दिल्ली की टीम इतनी बुरी तरीके से टूटेगी ये कोई नहीं जानता था। पृथ्वी शो जो ऑल टाइम इस सीजन में फ्लॉप रहे हैं, इस बार भी शून्य पर आउट हो गए। और दोस्तों ट्रेंट बोल्ट का प्रकोप इतना ज्यादा भयंकर था कि उन्होंने मनीष पांडे को भी पहले ही ओवर में शून्य पर निपटा दिया। अब शून्य पर किसी टीम के दो विकेट गिर जाएं तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे, वहां से तो टीम की हार निश्चित है ही। हालांकि दोस्तों बीच में ललित यादव ने 24 गेंद में 38 रन जड़कर एक आस जरूर जगाई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली की टीम का कोई भी खिलाड़ी 10 से ऊपर रन नहीं पहुंचा पाया अपने, चाहे वो अक्षर पटेल हो या अभिषेक पौरेल हो या फिर रोमन पॉवेल ही क्यों ना हो। हाँ डेविड वार्नर 55 गेंद में 65 रन की पारी जरूर जड़कर गए, लेकिन 20 ओवर में ये टीम 142 रन तक पहुंच पाई और राजस्थान ने जीता 57 रन के अंतर से ये मुकाबला। इतनी भयंकर हार को देखकर दोस्तों हर कोई दंग है दिल्ली की टीम पर, और अब पंत ने भी अपना बड़ा बयान दे दिया है। आखिरकार दोस्तों पंत ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों अपनी टीम की हार पर ऋषभ पंत ने कहा, आज वाकई में टीम से बाहर होने पर सबसे ज्यादा दुख महसूस कर रहा हूँ। अपनी टीम का हिस्सा नहीं हूँ और टीम लगातार हार रही है तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। जैसा लग रहा है कि इस चोट से ज्यादा तो मेरी टीम की हार का दर्द मेरे दिल में पनप रहा है। दिल्ली की टीम से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। कप्तान वार्नर एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक अच्छी कप्तानी करेंगे, हम सब ने यही सोचा था। लेकिन जिस हिसाब से आज हमारी गेंदबाजी रही और गेंदबाजी का एग्जीक्यूशन रहा, दोनों ही बेकार थे। कहते हैं कि क्रिकेट में उतने ही रन देने चाहिए जितना बनाने की क्षमता आपकी टीम में हो। जाहिर सी बात है 200 रन बनाने नामुमकिन नहीं, लेकिन गेंदबाजों को कम से कम रन लुटाने चाहिए थे। जरूरत से ज्यादा रन लुटाएंगे तो हमारे खिलाड़ी अगर विकेट गवा दिए तो प्रेशर तो वैसे ही बन जाएगा। वार्नर ने कोशिश जरूर करी, लेकिन टूर्नामेंट्स कोशिश पर नहीं नतीजे पर जीते जाते हैं, और फिलहाल तो दिल्ली की टीम को हारता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूं और कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों पंत का ये बयान दर्शा रहा है कि ना तो वार्नर की कप्तानी से खुश है, ना ही दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, वार्नर और पंत में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।